सधुआ चापर गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को रंगरा पुलिस ने धर दबोचा है। युवक गांव के ही दिनेश शाह का पुत्र सुजीत कुमार है। जानकारी दी गई है कि जब युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था तो उसी समय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद रंगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि मामले की बाबत थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीन कृषि कानूनों पर भाकपा माले ने किया आम सभा। रंगरा प्रखंड स्थित संत विनोबा हाई स्कूल मैदान तिंटंगा दियारा में भाकपा माले के बैनर तले आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता कामरेड महेंद्र मंडल और संचालन भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य रंगरा प्रभारी कामरेड पुरुषोत्तम दास ने किया। आम सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह तीनों कृषि कानून किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना देंगे। आज तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया है। जब तक किसान विरोधी काला कानून पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक किसानों का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। आम सभा को मुख्य वक्ता के रूप में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके शर्मा, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य पंकज सिंह, भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद यादव, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव मुकेश मुक्त, किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष रणधीर यादव, इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरी शंकर राय, एपवा के जिला सचिव रेणु देवी, इन्नौस नेता रविंद्र कुमार रवि, सामाजिक कार्यकर्ता राम किशोर मंडल आदि अन्य ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों संख्या में आम जनता मौजूद थे। गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को मिली थाने से जमानत। पिछले वर्ष 1 दिसंबर को रंगरा थाना क्षेत्र में हुए गैर इरादतन हत्या के एक मामले में पुलिस ने मुरली गांव निवासी मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जमानतीय दफा में आरोप होने के कारण आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई है। रंगरा पुलिस ने मास्क जांच अभियान चलाकर 8 लोगों से वसूल किया 400 रुपये जुर्माना। रंगरा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चलाए गए मास्क जांच अभियान में पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 8 लोगों से 400 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि रंगरा चौक और कुमारपुर थाना चौक पर मास्क जाँच अभियान चलाया गया था। पुलिस निरंतर मास्क जाँच अभियान चला रही है।